नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेप्टोग्लोबिन सिरप के बारे में। इस सिरप को कब, कैसे और कितनी मात्रा में लिया जा सकता है, इसमें कंपोजिशन के तौर पर कौन कौन से इंग्रेडिएंट को ऐड किया गया है, साथ ही हम इस सिरप के यूजेस, डोजेस, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हम अगली वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हेप्टोग्लोबिन सिरप की। तो अगर हम सबसे पहले इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर जो है प्रोटीयोलाइज्ड लीवर, पेप्टोन, आयरन, फॉलिक एसिड, इथेनॉल आदि इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिलाए गए हैं। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इस सिरप का उपयोग जो है मुख्य रूप से शरीर में किसी कारण से हुई खून की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, यानी कि हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो आपको कमजोरी, चेहरे का रंग पीला होना, वजन का घटना, सुस्ती, आलस, गाल का पिचकना, सांस फूलना जैसी समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों इस सिरप के सेवन करने से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा कमज़ोरी, थकान, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, कमज़ोरी के कारण चक्कर आ रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यह शरीर में खून की कमी को पूरा कर शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, तो उस समय डॉक्टर के द्वारा खून की कमी को पूरा करने के लिए इस सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति के लिए, यदि कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर है तो उसके लिए जो है इसकी डोज है, इसे जो है 10 ml से लेकर 15 ml थोड़े पानी में मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। और यदि कोई बच्चा 10 साल से ऊपर का है तो उसे जो है 5 ml दिन में दो बार दिया जा सकता है। और अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में नौजिया, वॉमिटिंग, दस्त होना, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं और स्वाद में परिवर्तन हो सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये सभी को नहीं होते हैं, किसी किसी को हो सकते हैं। और अगर हम इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो इस सिरप को कभी भी खाली पेट ना लें। इस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।